हमारे पास फॉरेस्ट के बारे में बताया हुआ है कि वो किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से फॉरेस्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, जिस तरह टिम्बर है, लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, लोग अपने घरों में लकड़ी की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वुड पल्प जो है वो पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा द फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। इसी तरह वुड प्रोडक्ट्स जो हैं उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनकी इकोनॉमी में। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या बताया कि फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम दी एयर, थस कंट्रीब्यूटिंग दी बायोस्फेयर स्टेबिलिटी। फॉरेस्ट इसी तरह फॉरेस्ट जो हैं वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, और जो बाकी पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको भी एयर से रिमूव करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बताया हुआ है कि फॉरेस्ट जो हैं वो हमारे मुल्क में आपको बताया कि नेचुरल ब्यूटी बहुत है, तो जो जंगलात हैं, दरख्त हैं, ये इनका यहाँ पे भी एक अहम रोल है। ठीक है, इसके अलावा और हमारे पास क्या है, इसको जितने भी हमारे पास फॉरेस्ट हैं उनको मतलब कि अब हर आने वाले टाइम में उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन की जा रही है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो एक फॉरेस्ट है क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट हैं इनको हर साल 1% जो है इनकी कटाई हो जाती है। ठीक है, तो ये श्रिंक हो रहे हैं, मतलब कि ये कम होते जा रहे हैं। ठीक है, इनकी क्या हो रही है, कटाई हो रही है, इनकी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी बिल्कुल से ये एंड हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह आगे हमारे पास ओवर हंटिंग आ जाता है। ओवर हंटिंग में आगे हम ये देखते हैं जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन में दरख्तों को काट के उनको ख़त्म किया जा रहा है, इसी तरह ओवर हंटिंग में डिफरेंट एनिमल्स जो हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं उनका शिकार करके, उनको मार के, उनको ख़त्म किया जाता है। ठीक है, लाइक वो ख़त्म हो जाती हैं, उनका शिकार किया जाता है। तो डिफरेंट हैं इसमें हमारे पास, जिस तरह वेल है, आइबेक्स है, यूरियल है, मारखोर हैं। ठीक है, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान जो है मारखोर। इसके बाद कमर्शियल हंटिंग बोथ लीगल एंड इलीगल इज़ दी प्रिंसिपल थ्रेट, के लीगली या इलीगली हम जानवरों का शिकार करते हैं तो ये एक किस्म की उनके लिए थ्रेट है, ये हमारे लिए एक थ्रेट है। ठीक है, इससे ये होगा कि बहुत सी जो स्पीशीज़ हैं, बहुत सी जो नस्लें हैं जानवरों की, उनको ख़त्म किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपके पास टॉपिक था ओवर हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन का, इसको आपने समझना है। ओके, थैंक यू सो मच।